यार कभी ऐसा हुआ है कि आपका पढ़ने का दिल किया हो और आप जाके व्हाइट बोर्ड ले आए हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है? कभी हुआ है? हुआ होगा, मैं भी तो ऐसा ही हुआ था भाई एक दफा मेरे साथ। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, सेटअप रेडी है हमारा। This is your boy Rahat Ali Arain. Hope you all are doing well. Welcome back to another unboxing series. तो भैया कभी ऐसा हुआ है कि आपको यार पढ़ने का दिल किया हो और आप इतनी दूर जा रहे हो पढ़ने के लिए और आपने कहा यार अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने और आप घर आए, घर आके गई आप गए आप व्हाइट बोर्ड ले आए, है ना? हुआ है? नहीं हुआ? हुआ होगा, ऐसे ही हुआ भाई मेरे साथ। मैं एक दिन भाई पढ़ाई का भूत चढ़ा हुआ नया नया, मतलब यहाँ से सुबह 4 बजे उठ के यूनिट जाता था, यूनिट जाके भी क्लासेस लेके फिर वापस आता था घर, 4-5 घंटे सोता था, नेक्स्ट डे सेम वैसी रूटीन थी। तो भैया मैंने कहा भाई अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या किया भाई, घर आया और आके व्हाइट बोर्ड लेके आ गया। क्या भाई जो सर पढ़ाएंगे आके वही करूँगा, बस मैंने उसकी भाई आके इतनी जहमत नहीं कि उसकी पन्नी उतार लूँ। खैर ये ऐसा कैसे रह गया, तो मैंने कहा आज इस पर वीडियो बना लेते हैं। ये कब लिया था? आज हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने सारे यहाँ पे बिल जमा किए हुए हैं। इसका बिल कौन सा भैया? हाँ ये रहा, इतने सारे बिलों में से इसका बिल ढूंढा। और भैया ये हमने लिया था 26 तारीख, पहला महीना 2022, उसके बाद से ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अब पढ़ना है भाई, बहुत हो गया भाई अब पढ़ना है। तो इसी चक्कर में गया सीधा, मैं बाइक पे गया, वहाँ से व्हाइट बोर्ड मैंने देखा देखा कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा, फिर एक जगह से मिला छोटा बड़ा, फिर फुल साइज, फुल साइज मतलब ये मिड साइज है। और वैसे तो आप पूरी दीवार भी बनवा सकते हो। खैर ये स्टैंड लिया इसके साथ, फिर वहाँ से एक ऑटो में रखा सारा सामान, 4 मार्कर लिए, सारा सामान ऑटो में रखा, ऑटो में रखा, फिर ये आ गया घर। उसके साथ भैया हमने लिया था एक डस्टर, ये डस्टर मतलब चिपक भी जाता है थोड़ा लेवल वाला है। उसके बाद भाई ने लिए मार्कर, मार्कर कितने लिए? एक नहीं, दो नहीं, तीन ही, 4। मैंने कहा चारों अलग अलग कलर से लिखेंगे भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आगे भाई इन मार्करों से कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग भी नहीं लिखी। और उसके बाद इनका भी लाया था, मैंने कहा कहीं भरनी भरनी पड़ी है, कहीं यार गुस्से में आगे इतना पड़ गया हूँ कि उसको बार बार लिखना पड़े, ये सीन था। कह रही हमारे मार्कर हैं और अब बढ़ते हैं हमारे अनबॉक्सिंग करते हैं, इसकी अनरैप करते हैं, मतलब अनबॉक्सिंग तो नहीं होगी, ये कौन सा डब्बे में। इसके साथ हमने दो दो चीज़ें ली थी, क्या क्या लिया था भैया इसके साथ? पहली चीज़ ली थी वो व्हाइट बोर्ड लिया था, व्हाइट बोर्ड मिला था भैया 2250 रुपये का मिला था। और उसके बाद स्टैंड मिला था, स्टैंड जो है ये 1400 का मिला था। उसके बाद भैया डस्टर मिला था 50 का, उसके बाद बी इंक बोर्ड मार्कर की इंक मिली थी वो भी 50 की, और 4 बोर्ड मार्कर मिले थे वो 50-50 के, मतलब 200 का, 3950 रुपीज़ का ये मतलब बिल बना था 4000 में से 50 रुपीज़ कम। और यही कोई 150-200 रुपये रिक्शा लिए थे और भाई बोर्ड आया घर पे, जब बोर्ड घर पे आया सबने कहा ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो। तो अब भैया हम इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। खैर हमारे ये काम आ गया, हमने रख लिया इसको अपने स्टूडियो में और ये अब हमारे काम आता रहेगा। खैर इस पर हम अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करेंगे, इस पर हम अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे जो हमने आज तक नहीं किए, और खैर आगे ऐसा ऐसा करेंगे। सो अब हम इसको करते हैं अनरैप और चलो अब इसी तरफ करते हैं। तो भैया ये है हमारा व्हाइट बोर्ड और यहाँ से टेप हटाएंगे, यहाँ से बिठाएंगे, यहाँ से बिठाएंगे, ये हो गया भाई अनबॉक्स, ये हो गया भाई हमारा व्हाइट बोर्ड अनबॉक्सिंग। और ऐसा दिख रहा है कुछ, एक दफा मैंने इसको अभी एक दो दिन ही पहले इससे आगे वाला पेपर हटाया था। सो फाइनली हमारे जो बोर्ड है वो अनबॉक्स हो चुका है और ये हमारे पास 4-4 मार्कर हैं। और आज जो डेट है वो है 17 अगस्त और वेनेसडे का डे, और हम यहाँ पे इससे सबसे पहले ब्लू मार्कर से लिखते हैं भैया यहाँ पर डेट, देखेंगे भैया चलते हैं मार्कर यहाँ अब तक नहीं, डेट इस तरफ होती है और डे इस तरफ होता है, हाँ इसी तरह होता है। तो हम पहले लिखते हैं भैया अपना डे, या भाई डेट, और डेट क्या है भाई 17 अगस्त, कौन सा 7 मंथ होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8वां 2022। अब ब्लू मार्कर तो वही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम कौन सा डे करेंगे, ब्लैक, ब्लैक से लिखते हैं हम डे लिखते हैं। राइटिंग मेरी वैसे ही मतलब बहुत अच्छी डॉक्टर वाली, वैसे मुझे बनना था डॉक्टर फिर यूट्यूबर बनी। और डे कौन सा है, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे, हाँ वेनेसडे, मैं वैसे जनरल पे भी ऐसे लिखता हूँ। उसके बाद भैया हम यूज़ करेंगे अपना रेड पेन, रेड पेन वैसे टीचर यूज़ करते हैं लेकिन इसका भी एक ऊपर अपग्रेड लेवल है जो कि प्रिंसिपल यूज़ करता है। रेड पेन से लिखेंगे हम, रेड पेन तो चल ही नहीं रहा भाई, सूख गया, नहीं चल रहा यार, ये मुझे यूज़ हुआ ही ले लिया मैंने, यूट्यूब भी नहीं सही लिखा हुआ। अब डस्टर से इसको रिमूव करें, डस्टर काम नहीं करना, डस्टर मदर नहीं, खैर यहाँ पर लिखेंगे हम यूट्यूब, यूट्यूब। और ग्रीन पेन से लिखेंगे दिस इज योर बॉय राहत अली, ओहो गलत हो गया यार, बार बार गलत हो रहा है। अच्छा वो पेन में मसला है इसलिए रिमूव नहीं हो रहा, RAIN,
तो फाइनली व्हाइट बोर्ड हमारा चेक भी हो गया। ये भी अच्छा हुआ कि यार तीन मार्कर चल गए, जो रेड वाला मार्कर है ना वो बहुत सूख गया, मतलब कि बस नाम का चल रहा है। और ये 50-50 में मिलते हैं मार्कर, और अब तो पता नहीं क्या हो गया होगा, डॉलर ऊपर जाके भी नीचे आ गया। बस डॉलर बढ़ता है तो भाई हर चीज़ बढ़ती है, ये रूल किसने बनाया इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। सो फाइनली यार ये थी हमारी अनबॉक्सिंग, और हमने अनबॉक्स भी कर लिया, और इस पर अब हम लिखेंगे हमारा क्या शेड्यूल, हमारा क्या है, इस पर हम अपना टाइम टेबल लिखेंगे कि आज हमें क्या क्या करना है, और मेरे कौन कौन से प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस हैं वो लिख लिया करेंगे। और नए कंटेंट के अलावा हवाले से, मतलब कि अगर कोई जैसी बात होती है ना, नोट बोर्ड होता नहीं हमारा, एक तरह नोट बोर्ड के काम आएगा। और नोटिस बोर्ड होता है उसमें, वो ग्रीन कलर का होता है सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, उसमें नोटिस बोर्ड प्रिंट निकल के आते हैं, लेकिन हम इसको एज आ नोट बोर्ड या एज आ नोट बोर्ड यूज़ करेंगे, और हमारे जो काम होंगे हम इस पर लिख दिया करेंगे, और इस प्रोसेस के लिए इसको यूज़ करेंगे। अगर हमें कुछ सिखाना होगा तो भाई इस पर हम बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। सो ये थी हमारे व्हाइट बोर्ड की अनबॉक्सिंग, मिलते हैं किसी नई अनबॉक्सिंग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।